खबर रायपुर से, यहां पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया। विपक्ष को मोदी जी का भय है, ये कहना है उनका। नदी के तेज धार में सभी शत्रुता भूल के पेड़ में चढ़ जाते हैं और आज वही स्थिति विपक्ष में बनी हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं, तो ये बड़ा बयान पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने दिया है। कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, विपक्ष को आड़े हाथों लिया है और कहा कि विपक्ष को मोदी जी का भय। क्या कहा उन्होंने आप? चलिए बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अनुपूरक बजट भी आज की कार्य सूची में शामिल किया गया है। करीब 3,000 करोड़ का अनुपूरक बजट सरकार लेकर आएगी। सत्र में विश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आएगा। 13 मंत्री 550 सवालों का सामना करेंगे। ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही। 3,000 करोड़ का अनुपूरक बजट सरकार लेकर आएगी और मंत्री सवालों का सामना करेंगे। चुनाव से पहले आखिरी सत्र। बड़ी अपडेट रायपुर से आपको बता दें, जहां छत्तीसगढ़ मानसून सत्र की कार्यवाही को स्थगित के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बड़ी अपडेट रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ मानसून सत्र की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है और अब कल तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है, लेकिन आज दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुलेश्वर पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। कुलेश्वर, आज मानसून सत्र की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है,